आरसीबी और एलएसजी के मैच के दौरान गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच हुई लड़ाई उनके एक दूसरे के प्रति दुश्मनी के इतिहास को फिर से ताजा कर दिया है। यह घटना सोमवार को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आईपीएल 2023 के मैच के दौरान हुई। वहीं इस घटना पर सभी की अपनी अपनी राय है। कुछ को यह एंटरटेनमेंट लगा, जबकि कुछ का मानना है कि क्रिकेट की भावना के खिलाफ है। वही टीम के डगआउट में से एक आई विटनेस ने न्यूज एजेंसी पीटीआई के साथ विराट कोहली और गंभीर के बीच हुई बातचीत के बारे में बताया है। जैसा कि आई विटनेस ने बताया, आपने टीवी पर तो देखा ही होगा कि विराट कोहली और काइल मेयर्स मैच के बाद कुछ मीटर्स तक साथ में चल रहे थे। मेयर्स कोहली से पूछ रहे थे कि उन्होंने लगातार मेयर्स को गालियां क्यों दी। जवाब में कोहली ने कहा कि तुम मुझे घूर क्यों रहे थे। इससे पहले अमित मिश्रा ने अंपायर से शिकायत की थी कि उनके नंबर 10 के बल्लेबाज नवीन उल हक को विराट कोहली लगातार गालियां दे रहे हैं और मामला बढ़े ना, इसलिए गंभीर ने मेयर्स को पकड़ा और कहा कि इस बारे में बात ना करे। जब विराट ने इस पर रिएक्ट किया तो चीजें बढ़ गईं। इसके बाद गौतम गंभीर बोले, क्या बोल रहा है बोल। विराट कोहली, मैं आपको कुछ बोल ही नहीं रहा, आप क्यों घुस रहे हो। गौतम गंभीर, तूने अगर मेरे प्लेयर को बोला है मतलब तूने मेरे फैमिली को गाली दिया है। विराट कोहली, तो आप अपने फैमिली को संभाल के रखिए। फिर गौतम गंभीर ने जवाब दिया, तो अब तू मुझे सिखाएगा। इसके बाद इन दोनों को अलग अलग किया गया। इस मामले पर कोहली और गंभीर दोनों को सजा मिली है। मैच रेफरी ने दोनों पर मैच फिक्स का 100% जुर्माना लगाया है। वही दोस्तों, आपकी क्या राय है इन दोनों की लड़ाई को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।